हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज फिर से मैं एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है ये, क्लास सिक्स की। तो आज मैं इसका जो चैप्टर है, चैप्टर 16, वो मैं बताऊंगी, सिंपल फ्यूचर टेंस द गोइंग टू फॉर्म। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो इसको समझेंगे। तो कोई भी चीज़, जैसे हम लोग प्लान करते हैं कल के लिए, या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग सिंपल फ्यूचर में बताते हैं। तो अब देखेंगे एग्जांपल्स। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगी। द ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर ओनली 2 मिनट्स, ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकेगी। द प्रिंसिपल विल वेलकम द चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल चीफ गेस्ट का वेलकम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से बताया जा रहा है ना। ये है कि एक दिन के बाद का ये बताया जा रहा है कि टुमारो, और यहाँ बताया जा रहा है कि 2 मिनट, 2 मिनट का भी जो टाइम है उसके लिए भी हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं, नियर फ्यूचर जिसको बोलते हैं। द प्रिंसिपल विल वेलकम द चीफ गेस्ट, तो इसमें भी है कि नियर फ्यूचर है कि जो प्रिंसिपल हैं वो चीफ गेस्ट का वेलकम करेंगे। द वर्ब्स इन दिस सेंटेंस आर इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, और जो वर्ब है ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस में है। मीन्स जब हम लोग सिंपल फ्यूचर बनाते हैं तो जो वर्ब होते हैं ना वो फर्स्ट फॉर्म के होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के जो ये फॉर्म है उसको हम लोग देख लेंगे कि क्या फॉर्म है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो, सब्जेक्ट विल शैल वी वन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाएंगे, और अभी मॉडल इंग्लिश में विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है और शैल बेसिकली आई और वी के साथ लगता है। तो पॉजिटिव जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें क्या होता है ना, आई विल सी यू टुमारो, ये जो है ये देखो स्ट्रक्चर के साथ ये मैच है। कैसे, जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है, उसके बाद वी वन है, ये सी, और ये यू टुमारो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है स्ट्रक्चर के साथ। अब ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब यहाँ पर भी रूल लिखा हुआ है, तो यहाँ विल शैल वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पर द प्रिंसिपल विल वेलकम द चीफ गेस्ट, तो द प्रिंसिपल क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, विल है, वेलकम, ये वी वन है, और द चीफ गेस्ट, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा सिंपल फ्यूचर है विथ स्ट्रक्चर इसको लिखा गया है। तो अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को में कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग ये सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रोहन विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, रोहन कल स्कूल नहीं जाएगा। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद विल फिर नॉट लगता है, जैसे सब्जेक्ट विल और यहाँ पर हम लोगों ने नॉट लगाया है, तो सब्जेक्ट विल नॉट कम, रोहन विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, द प्रिंसिपल विल नॉट एड्रेस द स्टूडेंट्स। तो यहाँ एक ही चीज़ रूल याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब, यहाँ विल क्या है, शेयर और विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जस्ट नॉट को लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, तो अब यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है कि शैल नॉट इज शॉर्टन एज शॉन्ट, विल नॉट इज शॉर्टन एज वॉन्ट, मतलब जो कंट्रास्ट होता है, तो शैल को इस तरीके से लिख सकते हो वो, और विल नॉट को वॉन्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पर यस नो क्वेश्चन, तो जो यस नो क्वेश्चन आता है ना, ये क्या होता है कि यस नो, अगर कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है तो यस नो में उसका जवाब दिया जाता है। तो इसका क्या रूल होता है, तो सबसे पहले विल और शैल स्टार्टिंग में लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर रूट ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब वी वन लगता है। तो विल और शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले लगेगा और फिर क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, है ना। तो अब यहाँ पर कैसे बनाए हैं देख लो, सबसे पहले यहाँ विल आ गया, विल के बाद सब्जेक्ट आया, देखो ये सब्जेक्ट है रोहन, फिर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, कम है, मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, टू स्कूल टुमारो, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फिर क्वेश्चन है। तो अगर किसी को यस और नो में आंसर पूछना है तो फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब से कोई सवाल करते हैं, जैसे विल रोहन कम टू स्कूल टुमारो, क्या रोहन कल स्कूल आएगा, तो यस रोहन कम, रोहन विल कम टू स्कूल टुमारो, या फिर रोहन विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, इस तरीके से हम लोग बताएंगे, या यस या फिर नो। अब क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन से भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड जिसको बोलते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई,
वैन, ये सारी चीज़ें होती हैं डब्ल्यू एच वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, वैन विल द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट्स। ओके, प्रिंसिपल स्टूडेंट्स से कब मिलेंगे, तो ये डिटेल्ड आंसर देना पड़ता है। जब डब्ल्यू एच से जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब डिटेल्ड आंसर देना पड़ता है, उस समय फिर यस और नो नहीं चलता। तो व्हेन विल द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट, प्रिंसिपल स्टूडेंट को कब एड्रेस करेंगे यानी कब मिलेंगे, तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे, द प्रिंसिपल विल एड्रेसेस द स्टूडेंट एट 10 o'clock, एट इन द मॉर्निंग, है ना, इन द इवनिंग, एट 5 o'clock। तो कुछ भी यहाँ पर हम लोग टाइम मेंशन करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम पूछा है व्हेन। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस क्या होते हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के यूज होते हैं, वी यूज विल टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन विच आवर ओन विशेज डू नॉट मैटर। इसमें क्या होता है ना कि जब सिंपल फ्यूचर को हम यूज करते हैं, तो इसमें फ्यूचर के इवेंट्स को हम लोग बताते हैं और ओन विश यानी हम लोग की जो इच्छा होती है, जो चाह होती है, इसको भी हम लोग बताते हैं और फ्यूचर के किसी इवेंट्स को के बारे में। जैसे ट्रैफिक विल बी वेरी हैवी इन द इवनिंग, यानी ट्रैफिक शाम के समय में बहुत ज़्यादा होती है, हैवी यानी बहुत होती है। तो ये हम लोग का क्या अपना ओन विश है, हम लोग अपना बता रहे हैं कि भाई शाम के समय बिजी होता है। नेक्स्ट ईयर यू विल सी अ ब्यूटिफुल हॉस्पिटल बिल्डिंग एट दिस साइट। अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल विल तुम देखोगे एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल का बिल्डिंग इस साइट में तुम देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये नेक्स्ट ईयर का प्लान है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का प्लान है, तो ये फ्यूचर इवेंट्स है। ओके, तो फ्यूचर इवेंट्स है, तो फ्यूचर इवेंट्स हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि नेक्स्ट ईयर यू विल सी, अगले साल तुम देखोगे अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल बिल्डिंग एट दिस साइट, एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल हॉस्पिटल बिल्डिंग देखोगे इस साइट में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या है फ्यूचर का। अब नंबर टू में देखेंगे क्या है यूजेस। वी यूज विल, वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब इसमें विल का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हैं और उसी समय बोल भी रहे हैं, उसी टाइम बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हैव यू लॉक द डोर, क्या तुमने दरवाजे को बंद किया या दरवाजे को बंद कर चुके हो। आई एम सॉरी, आई विल गो एंड लॉक इट नाउ। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि आई एम सॉरी, और उसी समय हम डिसाइड कर रहे हैं और उसी समय हम लोग बोल भी रहे हैं। तो क्या डिसाइड किया कि आई विल गो, मैं जाऊंगा और दरवाजे को लॉक कर दूंगा। तो जब डिसाइड किया उसी समय बोला। ठीक है, वाई आर यू सो ग्लम, ग्लम मतलब बहुत शांत होना, उदास होना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तुम क्यों इतने शांत हो और क्यों इतने उदास हो। आई हैव अ स्लाइट हेडेक, मुझे हल्का सा सरदर्द है। आई थिंक आई विल कंसल्ट अ डॉक्टर, और मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें स्पीकर जो डिसाइड कर रहा है उसी समय उस चीज़ को बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विल यूज़ करेंगे। जो इस तरीके का है ये विल है। अब नंबर थर्ड में देख लेंगे क्या यूजेस है। और वी यूज विल टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। अब इसमें बता रहा है कि जो भी सोचते हैं हम लोग या विश्वास करते हैं जो कि फ्यूचर में होता है या होगा, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बताते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई थिंक द प्राइजेस विल बिकम स्टेबल इन अबाउट 2 months। अब इसमें ये अपना बिलीव बता रहा है, अपना थिंक, अपना सोच बता रहा है कि यहाँ जो प्राइजेस बढ़ी है चीज़ों की, वो स्टेबल हो जाएगी 2 months के बाद। आई एम श्योर यू विल गेट A1 इन ऑल द सब्जेक्ट। तो इसमें क्या बिलीव बता रहा है कि आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम्हें एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में A1 मिलेगा। तो ये क्या है, ये बिलीव है, है ना, श्योरिटी बता रहा है। अब शैल का यूज़ कहाँ करते हैं, शैल इज़ यूज मोस्टली इन क्वेश्चन फॉर्म्स एंड विल विथ आई एंड वी। शैल को क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ। बट व्हेन वी यूज शैल आई और शैल वी आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, वी आर मेकिंग अ सजेशन ऑन और एन ऑफर। लेकिन जब हम लोग शैल आई का और शैल वी का यूज़ करते हैं, तो ये समय हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, उस समय हम लोग सजेशन देते हैं और ऑफर करते हैं। जैसे शैल आई गेट यू अ कप ऑफ टी, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफ़ी लेके आऊँ या फिर टी लेके आऊँ, जो भी है, वॉट एवर बेवरेज, तो पीने का चीज़ होता है चाय कॉफ़ी। तो शैल आई गेट यू अ कप ऑफ टी, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप टी लाऊँ, तो ये ऑफर कर रहा है किसी को।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी आर गेटिंग लेट, शैल वी टेक अ कैब, हम लोग लेट हो रहे हैं, क्या हम लोग एक कैब लिस्ट मतलब लेंगे, ले लें, तो ये सजेशन है, तो यहाँ पर इसलिए शैल से यूज हुआ है। अब यहाँ पर ये बनाएंगे हम लोग जो एक्सरसाइज है, तो इसमें क्या बनाना है, स्पीक आउट दिस सेंटेंसेज इन द नेगेटिव फॉर्म एंड इन द इंटरोगेटिव फॉर्म, तो इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, दिस बस विल, यहाँ पर मैंने बनाया है, देख लेंगे क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है दिस बस विल टेक यू टू द रेलवे स्टेशन। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेगेटिव में बनाना है, इंटरोगेटिव में बनाना है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों फॉर्म में हम लोग को बनाना है, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। तो नेगेटिव का क्या होता है रूल, नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट वी वन और ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे, और यस नो जो इंटरोगेटिव होता है उसका क्या होता है रूल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, विल और शैल क्या हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यस नो का जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ओके, अब डब्ल्यू एच से कैसे बनाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड को पहले कर देंगे, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यहाँ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वी वन, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये रूल है। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज क्या है, दिस बस विल टेक यू टू द रेलवे स्टेशन। अब इसको क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव, दिस बस विल नॉट टेक यू टू द रेलवे स्टेशन। अब इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन से इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन है उसको सामने रखेंगे, यहाँ पर रूल है, यहाँ पर ठीक है, तो विल आ गया, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो विल दिस बस, यहाँ पर वही है, ठीक है, ये नंबर वन का, तो क्या लगाएंगे, विल दिस बस टेक यू टू द रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसी को डब्ल्यू एच फॉर्म में अगर बनाएंगे, तो वैन विल दिस बस टेक यू टू द रेलवे स्टेशन, तो दोनों में से कोई भी इंटरोगेटिव को बना सकते हो, क्योंकि एक ही इंटरोगेटिव यहाँ पर बनाना है, या फिर हेल्पिंग वर्ब से बना लो या फिर डब्ल्यू एच से बना लो। ओके, देन नंबर टू देखेंगे, ही विल कम टू आवर हाउस ऑन संडे, तो कैसे लगाएंगे, नेगेटिव ही विल से, विल के बाद नॉट लगा देना, क्योंकि यही पर ये रूल है कि सब्जेक्ट शैल विल नॉट वी वन ऑब्जेक्ट, तो शैल विल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पर ही विल नॉट कम टू आवर हाउस ऑन संडे, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसी को जब यस नो इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो विल सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ये जो रूल है, देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वी वन है, ऑब्जेक्ट है, तो बस उसी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ही विल नॉट, हाँ ये तो हो गया, विल ही कम टू आवर हाउस ऑन संडे, है ना, क्या वो हम लोग के घर संडे को आएगा, तो यस ही विल कम टू आवर हाउस ऑन संडे, या फिर ही विल नॉट कम टू आवर हाउस, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये यस और नो में इसका आंसर देंगे, तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर नंबर थ्री में क्या है, मिस खान विल एक्सप्लेन दिस पोएम अगेन, ठीक है, तो अब इसको नेगेटिव में यही बनाना है, नेगेटिव में मैंने क्या बोला है कि सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगा देंगे, तो बस ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और इसी को जब हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, विल मिस खान एक्सप्लेन दिस पोएम अगेन, तो ये यस नो क्वेश्चन है, तो इसको यस नो से इसका जवाब आता है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दीज इंसेक्ट्स विल डिस्ट्रॉय द क्रूप्स, तो यहाँ पर दीज इंसेक्ट्स विल नॉट डिस्ट्रॉय द क्रूप्स, तो यहाँ पर विल के बाद नॉट लगेगा, नेगेटिव फॉर्म, और इसी को जब हमने इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, विल दिस इंसेक्ट डिस्ट्रॉय द क्रूप्स, क्या ये इंसेक्ट जो है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो फसल को खराब कर देंगे, तो इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो या यस या नो, दोनों में से एक और दोनों में से कोई भी एक, शी विल डिस्क्लोज द सीक्रेट, तो यहाँ पर शी विल नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट, तो यहाँ नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसी को जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल शी डिस्क्लोज द सीक्रेट, क्या वो सीक्रेट को सबको बता देगी, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर दे विल फाइंड द लेट कॉमर्स, दे विल नॉट, यहाँ विल के बाद नॉट लग गया। अब जब इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल दे फाइंड द लेट कॉमर्स क्वेश्चन मार्क, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है।
तो ये हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे गोइंग टू फॉर्म को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। द गोइंग टू फॉर्म, वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस, हम लोग न्यू हाउस शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो तब गोइंग टू हम लोग यूज करेंगे, होने जा रहे हैं। शी हैज लेफ्ट एवरी वन बिहाइंड, शी इज गोइंग टू विन द रेस, उसने सबको पीछे छोड़ दिया, हर एक को पीछे छोड़ दिया है और वो रेस अब जीतने जा रही है। द गोइंग टू फॉर्म ऑल्सो एक्सप्रेस एक्शन इन द फ्यूचर, और जो गोइंग टू फॉर्म होता है ना वो फ्यूचर के एक्सप्रेस को भी बताता है। द गोइंग टू फॉर्म इज यूज टू शो इंटेंशन और टू शो दैट देयर आर इंडिकेशन समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो ये जो गोइंग टू फॉर्म होता है ना, इंटेंशन यानी इरादा को बताता है और ये इंडिकेशन यानी संकेत को बताता है किसी चीज़ का जो कि होने वाला है। अब यहाँ पर देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सेंटेंस वन, अबव सजेशन इंटेंशन, सेंटेंस टू में सजेशन इंडिकेशन। तो कैसे कैसे, नंबर वन जो है इसमें इंटेंशन है बताया गया और नंबर टू में इंडिकेशन बताया गया। तो देखेंगे वी आर गोइंग टू प्ले अ फ्रेंडली हॉकी मैच, तो ये इंटेंशन यानी इरादा, तो हम लोग एक फ्रेंडली हॉकी मैच यानी बहुत अच्छे से हम लोग खेलेंगे बिना लड़ाई झगड़ा किए, तो वही फ्रेंडली हॉकी मैच हम लोग खेलेंगे, तो ये इरादा है, इंटेंशन है, तो इसमें आर गोइंग टू हम लोग यूज़ करेंगे। एक और चीज़, ये सब्जेक्ट के बाद अगर प्लूरल है सब्जेक्ट है ना, यू वी दे प्लूरल होते हैं तो उसके साथ आर लगाएंगे, आर गोइंग टू, और अगर सिंगुलर होते हैं ही शी किसी का नाम इट, तब यहाँ पर क्या लगाएंगे, तब यहाँ पर इज लगा देंगे, यानी सिंगुलर के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लगाएंगे, इज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर द स्काई इज ओवरकास्ट, इट इज गोइंग टू रेन, यानी इंडिकेशन, कोई संकेत बताया जा रहा है, कोई एविडेंस बताया जा रहा है, क्या एविडेंस बताया जा रहा है कि बारिश होने का, कि आकाश में क्या छाए हुए हैं, बादल, तो ऑब्वियस बात है अगर आकाश में बादल छाए होता है तो बारिश होता है, तो इसीलिए ये इंडिकेशन है, संकेत है कि बादल छाया हुआ है तो बारिश होगा, तो इस जगह पे हम लोग इट इज गोइंग टू रेन, तब हम लोग रेन मतलब गोइंग टू का यूज करेंगे, क्योंकि संकेत विथ एविडेंस कोई चीज बताया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये चार्ट है देख लेंगे। विल, फ्यूचर जो इधर दिया है यहीं पर ये शॉर्ट वे में दिया हुआ है। फ्यूचर इवेंट्स ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक विल हैपन। अब इसमें जो फ्यूचर इवेंट को बताया गया जो कि हम लोग के कंट्रोल में नहीं है और हम लोग को जो चीज़ डिसाइड कर रहे हैं उसी को हम लोग उसी समय बोल रहे हैं, है ना, तो कैसे बोल मतलब क्या मतलब है इसका कि कोई चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं और टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और बोलते समय ही डिसाइड कर दें और उसको बोल रहा है। टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक विल हैपन, और उस बारे में बात करते कर रहा है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि जो होने वाला है भविष्य में। शैल आई शैल वी, टू मेक ऑफर्स एंड सजेशन, इधर भी हम लोग पढ़े हैं शैल आई और शैल वी का ऑफर और सजेशन के लिए। द गोइंग टू फॉर्म एक्शन इन द नियर फ्यूचर, इंटेंशन इंडिकेशन, नियर फ्यूचर यानी एक घंटा बाद, आफ्टर वन आवर, आफ्टर टू आवर, या फिर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, कोई भी ऐसा चीज़ है होने जा रहा है तो उसको हम लोग लेते हैं द गोइंग टू फॉर्म में। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, इसको कर लेते हैं तो फिर ये जो चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ विल और द गोइंग टू फॉर्म, तो आई हैव फिनिश्ड माई स्टडीज़, आई विल टेक अ जॉब नाउ। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि मैंने अपने स्टडीज़ कंप्लीट कर लिए हैं और मैं अब एक जॉब लूँगा, ठीक है, मुझे अब एक जॉब लेना है, अभी मुझे जॉब लेना है, तो आई विल, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ फ्यूचर इवेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई मुझे मिल गया है, मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली है और अब मैं एक जॉब लूँगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, आई एम फीलिंग शॉर्ट ऑफ मनी, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक अ जॉब। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मेरे जो पैसे हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, शॉर्ट हो गया है, तो मेरे ख्याल से मुझे एक जॉब लेना चाहिए या फिर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि फ्यूचर के इंटेंशन बता रहा है ना, ये इंटेंशन बता रहा है, इरादा बता रहा है कि मैं मुझे एक जॉब लेना है। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पर चॉइस पूछ रहा है, तो आई थिंक आई विल हैव कॉफ़ी। अब एट ए टाइम डिसाइड करके जब स्पीकिंग बोला गया है ना, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक विल हैपन, तो यहाँ पर क्या है कि जो जो चीज़ हम लोग डिसाइड किए हम लोग तुरंत उस चीज़ को बोले। यहाँ क्या पूछ रहा है, चॉइस पूछ रहा है कि आपको टी चाहिए या कॉफ़ी, तो तुरंत डिसाइड किया तुरंत बोले, तो आई थिंक आई विल हैव कॉफ़ी। इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली फॉर अ वीक, द रिवर इज गोइंग टू गेट फ्लडेड,
एक हफ्ता से बारिश हो रही है और जो रिवर है वो पूरी तरीके से क्या आ जाएगा, रिवर में बाढ़ आ जाएगा, फ्लड एरिया में बाढ़ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये संकेत बता रहा है ना, ये संकेत बता रहा है, ये जो इंडिकेशन मतलब संकेत बता रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा फ्लड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। शी हैज़ बिन प्लेइंग इन द रेन द होल इवनिंग, वो पूरा शाम वो बारिश में खेली है। सी इज़ गोइंग टू कैच अ कोल्ड, और उसे कोल्ड हो सकता है। तो ये क्या है, ये भी संकेत है, इंडिकेशन है, मतलब ये सबूत है कि वो सारा शाम वो खेली है बारिश में, तो उसे सर्दी होगा ही। इफ़ शी कीप्स प्लेइंग इन द रेन अ लिटिल लॉन्गर, इसमें भी अगर वो थोड़ी ज़्यादा देर तक खेलेगी बारिश में, शी इज़ गोइंग टू कैच अ कोल्ड, तो उसे हो सकता है, क्योंकि इसमें संकेत बता रहा है, इसमें इंडिकेशन बता, संकेत बता रहा है कि अगर वो पानी में खेलेगी तो उसे तबीयत खराब हो जाएगा। वैसे यहाँ पर विल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विल भी बता रहा है कि जो ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसीलिए एट अ मोमेंट जब बोल मतलब जब देखा जा रहा है उसी समय बोला जा रहा है, तो यहाँ पर विल भी लगा सकते हैं। ओके, तो आज का जो ये सेशन है यही मैं इंड करती हूँ, और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।